दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो स्टूडेंट काफ़ी दिनों से फाइट कर रहे थे रेलवे से, कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे कि भुवनेश्वर रेलवे और कोलकाता रेलवे ने लेटर जारी किया था रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड को, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को, कि डेट एज को एक्सटेंड करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत जगहों पे इंडिया में प्रदर्शन हो रहे थे, बहुत जगह ट्रेन को रोका जा रहा था। तो आखिरकार रेलवे ने अपने एज लिमिट है जो 31 एज था ग्रुप डी के लिए और असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए 28 एज था, उसको एक्सटेंड कर दिया है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, ये एज है जो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 18 से 28 एज था और जो ग्रुप डी के लिए 28 से 31 का एज था। तो इसमें बहुत से दोस्त, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो आया है 90,000 के अराउंड, बहुत ही सालों के बाद आया है, तो बहुत ही इसमें दोस्त का एज काफ़ी बढ़ गया, तो एलिजिबल नहीं हो पा रहे थे। तो इसके लिए इंडिया में हर एक जगह प्रदर्शन हो रहे थे, चक्का जाम हो रहा था, रेलवे चक्का जाम हो रहा था। तो आखिरकार रेलवे ने अपने एज को एक्सटेंड कर दिया है और दोस्त जितने भी स्टूडेंट की मांग था उसको पूरा कर दिया है। बट रेलवे ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है, कि बहुत जगह प्रदर्शन भी हो रहा है कि ITI को हटा के ग्रुप डी से सिर्फ नॉर्मल मैट्रिक रखा जाए। तो इसके लिए भी कुछ अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट रेलवे ने अपने ट्विटर हैंडलर पे इस नोटिफिकेशन के रिलेटेड की एज एक्सटेंड का आज ट्वीट किया है रात को 12 से 12:30 बजे के अंतराल। तो ये कोई भी फेक न्यूज नहीं है, ये आप देख रहे हैं कि रेलवे मिनिस्ट्री का एक ऑफिशियल हैंडलर ट्विटर है। तो इसमें बताया गया है कि आपको दिखाते हैं कि क्या ट्वीट किया गया है रेलवे द्वारा। तो सबसे पहले आप नीचे आते हैं और देखते हैं कि क्या ट्विटर से क्या ट्वीट किया गया है, और जो भी यहाँ पे ट्वीट होता है वो 100% सही होता है, कोई फेक न्यूज नहीं है। तो आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप जिसका एज जो लाइन नहीं कर रहा था, जो बाहर हो रहे थे एग्जामिनेशन से, वो एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो ये देख रहे हैं कि 11 आवर से पहले किया है, तो अभी 11 के बज रहे हैं, तो ये 11 घंटे पहले रात को 12-1 बजे के अराउंड ट्वीट किया गया है। तो देखते हैं क्या ट्वीट किया गया हुआ है। तो आई आर एक्सटेंड रिलेक्शन इन अपर एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरी ऑनलाइन अप्लीकेशन इन्वाइटेड अबॉक्स 90,000 पोस्ट इन एम लेवल ट्रैक मेंटेनेंस पोस्टमैन हेल्पर गेटमैन पोर्टर एंड लेवल टू इन असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन फिटर क्रेन ड्राइवर ब्लैक स्मिथ एंड कारपेंटर। तो असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन में कुछ पोस्ट है जिसमें ही वो एज को लिमिट कर दिया गया है। तो हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आपको जूम करके दिखाते हैं कि यहाँ पे होप आपको अब अच्छी तरह से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि फॉर द ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रुप सी लेवल 1 एंड लेवल 2 पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैव डिसाइड टू एक्सटेंड द इलेक्शन इन द अपर एज लिमिट अंडर ए CEN-01 जो पहला नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ था असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए, उसमें जनरल कैटेगरी के जो नोटिफाइड जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ था, आपको दिखाते हैं नोटिफिकेशन यहाँ पे। देखिए नोटिफिकेशन में क्या है, 18 से 28 एज ये जनरल के लिए है। तो वही नोटिफाइड मीन जो प्रीवियस एज दिया हुआ था, जो इसको एक्सटेंड करके रिवाइज करके 30 एज कर दिया गया है। OBC के लिए 31 था, जिसको रिवाइज करके 33 किया है। SC के लिए 33, उसको 35 कर दिया गया है, और ST के लिए 33 था, उसको 35 कर दिया गया है। दूसरा है CEN-02-2018 लेवल 1 ग्रुप डी के लिए, जिसमें पहले जनरल के लिए था 31, इसको रिवाइज करके 33 कर दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट ITI करके या उसका एज ज़्यादा हो गया था, 32 था, जिसमें कुछ मंथ के लिए बहुत से स्टूडेंट बाहर हो रहे थे, तो उनको लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया, रेलवे ने एज गिफ्ट किया है कि एज को बढ़ा दिया है। तो इसमें थोड़े से कंपटीशन और बढ़ जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाई ज़्यादा करेंगे।
तो जो ओबीसी के लिए था 34 था, 36 था, एससी के लिए 36 से 38 हो गया, एसटी के लिए 36 से 38 हो गया। तो दोस्तों ये बेसिकली जो ट्विटर हैंडल द्वारा ट्वीट किया गया है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा, तो ये अच्छी न्यूज़ है। और एक जो ऐसे स्टूडेंट है जो इस पे इसका एज 30 से नीचे है, जो एलिजिबल पहले से थे, उनके लिए एक टफ कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो आप अभी से जितने भी मेहनत करते हैं उससे थोड़ा तेज़ ज़्यादा कर दीजिए। तो मैं डेली वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है जीके एंड जीएस का, रेलवे एग्ज़ाम का और रीजनिंग का, मैथमेटिक्स का। तो हर एक टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक हैं मैं उसको वीडियो अपने चैनल पांडे गुरुजी पे अपलोड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जितने भी तैयारी कर रहे थे, आपको जॉब चाहिए तो थोड़ा सी तैयारी को बढ़ा दीजिए, क्योंकि कंपटीशन कुछ ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि एज को एक्सटेंड कर दिया गया है। नंबर ऑफ जो स्टूडेंट होंगे अप्लाई ज़्यादा करेंगे, और बहुत सारे अप्लाई करेंगे तो कंपटीशन कट ऑफ ज़्यादा होने की चांस है। तो दोस्तों ये चैनल को पांडे गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस जरूर करें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।